कोरोना वायरस भारत में अब तेजी से पैर पसारने लगा है। इसका पता भारत में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से चलता है। वहीं पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। हजारों वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इसकी वैक्सीन बनने में कितना समय लगेगा। आमतौर पर किसी वैक्सीन को बनाने में 2 से 5 साल का वक्त लगता है। इसके बाद वैक्सीन इस्तेमाल करने से पहले सर्टिफिकेशन के लिए 6 चरणों में टेस्ट किया जाता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक ये 6 चरण एक्सप्लोरेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेवलपमेंट और इसके बाद के 3 चरण में मानव पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। आपको बताते हैं शुरुआत के 3 चरण क्या होते हैं। एक्सप्लोरेटरी, इस चरण में वायरस की कमजोर कड़ी की पहचान की जाती है। प्री क्लिनिकल, किसी वैक्सीन की टेस्टिंग का ये दूसरा चरण होता है। जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण होता है। परीक्षण के दौरान जानवरों में वायरस यानी एंटीजन को डाला जाता है। देखा जाता है कि जानवर पर शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है या नहीं। क्लिनिकल डेवलपमेंट, जानवर पर सफल परीक्षण के बाद का ये चरण है। वैक्सीन के सैंपल को अमेरिका में FDI और भारत में DCGI जैसी संस्थाएं टेस्ट करती हैं। कम से कम 100 लोगों पर ये परीक्षण होता है। सबसे ज्यादा समय इसी चरण में लगता है। तीसरे चरण में सालों साल लग जाते हैं। क्लिनिकली ट्रायल के बाद जब किसी इंसान में वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आता तब वैक्सीन को सर्टिफाइड किया जाता है और इसके बाद उत्पादन और गुणवत्ता पर काम शुरू होता है। इस चरण को 4th चरण भी कहा जाता है। कोरोना वायरस के मामले में वैक्सीन को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। चीन ने जनवरी में SARS-CoV-2 के RNA अनुक्रम को दुनिया से साझा किया था। फिलहाल कोरोना की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है जिसका परीक्षण अमेरिका में मॉडर्न थेरेप्यूटिक्स की देखरेख में हो रहा है। कोरोना की वैक्सीन इसलिए भी जल्दी तैयार हो सकती है क्योंकि इसके 80-90% आनुवंशिक कोड SARS से मेल खाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन 12-18 महीने में तैयार हो जाएगी। TB Live की रिपोर्ट।